गुणवाना सगाल कुन सेवा जोहार। तो चलिए सगन आज जान लेते हैं रायपुर के बारे में, जो हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी है। गोंडवाना कालीन रायपुर छत्तीसगढ़ के धरोहर, राजधानी रायपुर का धरोहर बूढ़ा तालाब। रायपुर का बूढ़ा तालाब 13वीं शताब्दी में राजा राय सिंह जगत द्वारा खुदवाया गया था। गोंडवाना साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राजा राय सिंह जगत अपनी सेना लाव लश्कर लेकर चांदा राज्य होते हुए तथा लांझी राज्य से अपना लश्कर को खारून नदी के कछार में डाला। आगे बढ़ने के लिए पुराना टिघरापारा में एक विशालतम तालाब खुदवाया। इस ताल को उनके साथ चलने वाली स्त्री पुरुषों ने 12 एकड़ भूमि को 6 महीने में खोदकर तैयार किए। इसकी खुदाई के कार्य 3000 पुरुष व 4000 स्त्रियां काम करते थे। हाथी बैल आदि पशुओं को भी खुदाई के कार्य में उपयोग में लाया गया। कृषि औजारों का भी इस हेतु भरपूर उपयोग किया गया। इसका नामकरण अपने इष्ट देव बूढ़ा देव के नाम से किया गया। राजा राय सिंह ने इसी के पास नगर बसाया जिसका नाम रायपुर था, जो अंग्रेजों के समय में रायपुर हो गया। यहाँ और भी अनेक तालाब बनवाए गए थे। गोंडवाना कालीन रायपुर का प्रथम शिक्षा एवं साहित्य का केंद्र राजकुमार कॉलेज। इस छत्तीसगढ़ में गोंडवाना के राजे जमींदार और प्रजा ने अपने समाज में शिक्षा साहित्य के विकास एवं प्रचार हेतु 1880 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में राजकुमार कॉलेज जबलपुर में खोला था। उसे 1882 में गोंडवाना के राजाओं द्वारा 400 एकड़ जमीन दान देकर रायपुर में स्थापित कराया गया। रायपुर स्थित यह राजकुमार कॉलेज अभी भी छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। संगीत कला और साहित्य की विश्व में ज्योति जलाने वाले रायगढ़ के राजा भूपदेव सिंह के सुपुत्र राजकुमार चक्रधर सिंह पुर्रे तथा अनेक राजकुमारों ने इसी संस्था से विद्या अर्जित कर विश्व एवं समाज में ज्ञान की ज्योति फैलाए हैं। जवाहर बाजार का विशाल द्वार। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक से कोतवाली की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग पर मुख्य पोस्ट ऑफिस के आगे बाईं ओर जवाहर बाजार का विशाल द्वार दिखाई देता है। ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रायपुर में रहने का कारण यहां के राजा जमींदार पटेल और महाजनों को हमेशा सरकारी कामकाज से रायपुर आना पड़ता था। दूर दूर से आने के कारण उन्हें रायपुर में रुकने के लिए असुविधा होती थी, इसलिए वे यहीं बाड़ा बनाकर रहते थे। यहाँ अपनी जरूरत की साग सब्जी मनिहारी वस्तुओं का क्रय किया जाता था। यह उस समय का विशाल बाजार गोंडवाना के महाराजाओं ने सारंगढ़ के राजा जवाहर सिंह के नाम पर बनवाया था। यह विशाल स्मारक आज भी नगर निगम की उदासीनता बयां कर रहा है। इस दरवाजे पर आज छोटे छोटे व्यापारी खील खूंटी डालकर कपड़े और फल सब्जियां टांग रहे तथा अंदर की ओर नगर निगम द्वारा स्टैंड बनाकर अपनी आय प्राप्त कर रही है, परंतु इसके उद्धार के लिए कभी नहीं सोचा। टाउन हॉल कलेक्ट्रेट रायपुर। कलेक्ट्रेट स्थित टाउन हॉल सन 1920 में छत्तीसगढ़ के गोंड राजे जमींदार मुकद्दम मालगुजार महाजनों ने सभा सगा समाज के सम्मेलन आदि के लिए रायपुर शहर बस जाने के बाद बनवाया था, जिसमें पूरी छत्तीसगढ़ के मुखिया लोग बैठक और सामाजिक सभा सम्मेलन किया करते थे। आज भी इसका उपयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया जाता है। गोंड समाज के पूर्वजों द्वारा किए गए ऐसे ऐतिहासिक कार्यों को याद कर मन आह्लादित हो उठता है। सभी स्मारक गोंडवाना काल के धरोहर हैं, परंतु आज समाज के लोग इन्हें भूल चुके हैं, किंतु इन्हीं से समाज का गौरव बढ़ता है। यह तथ्य हम कैसे भूलें। सादर सेवा जोहार सगे।